फाइनली रात को रुक गए थे टेंट में ही, और हिम्मत नहीं करा कि बढ़ जाए क्योंकि बारिश हुई थी, सब कपड़े भीग गए थे। और अभी सुबह का वक्त है और आज केदारनाथ जी का दर्शन हो जाएगा, मतलब महादेव जी का दर्शन हो जाएगा। और जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन से हम आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा देख लो चारों तरफ का ये व्यू पॉइंट है। मैं पहले भी यहीं पर रुका था, मतलब पिछली बार जब आया था 2020 में, और ये 2021 में भी देख सकते हो मैं यहीं पर रुका हूँ। और ठंड काफ़ी है, ठंड इतनी तगड़ी है कि पूछो मत। ये पीछे केदारनाथ टेम्पल यहीं पर है और काफ़ी अच्छा समय हो रहा है, 7 बज रहे हैं। और जो फील होती है ना वो काफ़ी मस्त है। इस समय इसलिए मस्त है क्योंकि एकदम सुनसान और नेचर, चारों तरफ नेचर ही नेचर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी जस्ट चलते हैं आगे, थोड़ा नाश्ता पानी या चाय पानी करते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू अपनी जो ट्रैकिंग है स्टार्ट करते हैं। तो बने रहो, ठीक है। फोर किलोमीटर और है केदारनाथ, बेस कैंप में 2.5 किलोमीटर। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो तो देखा आपने, 4 किलोमीटर और है केदारनाथ टेंपल। अभी की सिचुएशन ये है कि हमारे साथ 2 लोग थे, विशाल बाबा और विक्की भाई मेरा, दोनों लोग का हालत एकदम ख़राब हो गया और उन लोगों ने घोड़े ले लिए, देख सकते हो ये लोग जा रहे हैं और हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमें इतना थकान नहीं महसूस हो रही। हमारे दो साथी हैं जो कि बुढ़े हो गए हैं, देख सकते हो। हेलो, घोड़ा लेना पड़ा पहले, हम कल का पहुंचे। आओ आओ, घोड़े से आओ। सारा सामान दे दे रहे हो, हम तो करेंगे घोड़े से आओ। हालत खराब हो गई है, हालत खराब हो गई है। घोड़े में बैठाना चाहिए तो घोड़े बैठ रहे हैं। तो फाइनली रुद्रा पॉइंट आ गए हैं और अभी आगे हम आपको बताएंगे कितना किलोमीटर रह गया है। हमारे हिसाब से 2-3 किलोमीटर और होगा केदारनाथ टेम्पल, मगर तो बोर्ड आ रहा है। असली मजा पैदल में है। फाइनली बेस कैंप आ गए, केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर है और फाइनली बेस कैंप आ गए। यहाँ से केदारनाथ टेम्पल की जो दूरी है 1 किलोमीटर है और जो नज़ारे हैं उन्होंने काफ़ी अल्टीमेट है और धूप भी है सामने फेस पर और जो नज़ारे देख सकते हो आप, ऐसा मैं एक बार चारों तरफ सबको दिखा देता हूँ, देख लो। और यहाँ तक पहुँचने में करीब 1.5 दिन लग गए, 1.5 दिन क्या है होने का व्यू पॉइंट देखो जैसा है। ग्रीनी ग्रीनी है, अपने आप ही
जब वातावरण थंड असेल तेव्हा गरम करणार. टेम्पल 800 मीटर काफी अच्छा ट्रैकिंग रहा. बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर केदारनाथ आकर. और यहाँ जो पानी पीने का भी इंजॉय अलग ही है. बहुत ठंडा ठंडा पानी पियो और इंजॉय करो. और देखो कितना खूबसूरत है. एक ग्लेशियर देख सकते हो पीछे. पूरे 4 दिन लगे यहाँ पहुँचते पहुँचते. और उत्तर प्रदेश लग गया हमारे करीब 7 दिन. तो ये है सीन कुछ केदारनाथ का. तो दोस्तों केदारनाथ आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं होटल पर और वहां पर स्नान करेंगे. फिर आएंगे यहां पर दर्शन करेंगे लाइन लगा के, क्योंकि लाइन थोड़ा लंबी है. तो चलते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में. और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.